सिवनी बालाघाट संसदीय क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर भज सिंह बिसेन जी हैं। हम उनका कैमरा 24 में स्वागत करते हैं और उन्हें जीत के लिए बधाई देते हैं। हम चूंकि डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन पूर्व से ही संसदीय परंपराओं में विश्वास रखते हैं और बहुत सारे ऐसे पद रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के जिस पर उन्होंने काम किया है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देने के लिए आपको आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, सफर ऐसा है कि जीवन में मेरा राजनीतिक जीवन मेरा शुरू से रहा है, समाज सेवा मेरा मूल उद्देश्य रहा है। पार्टी ने 4 बार अवसर दिया, बरघाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहते हुए जनता के लिए अधिकतम काम करने का प्रयास किया। आज फिर एक नई जिम्मेदारी पार्टी ने दी, जिसको जनता ने उनके प्रेम और आशीर्वाद के कारण, पार्टी के प्रेम और आशीर्वाद के कारण पुनः लोकसभा का प्रत्याशी निर्वाचित हुआ हूँ। निश्चित रूप से जनता की बहुत सारी अपेक्षाएँ हैं, उन अपेक्षाओं को मैंने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और अधिकतम मेहनत श्रम की पराकाष्ठा करते हुए इन सारे कामों को पूरा करने का प्रयास करूँगा जो जनता की अपेक्षाएँ हैं। अपेक्षाएँ तो अनंत हैं, पर कोशिश ये होगी कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में मूल रूप से हम काम कर सकें ताकि जनता को अपेक्षाएँ की पूर्ति कर सकें। और इस दृष्टि से तो जनता का विश्वास है, उसको पूरा खराब करने का प्रयास करूँगा। चूँकि मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में 4 लाइन को लेकर बड़ा काम किया, लेकिन सिवनी जिले की यह सड़क अभी भी अधूरी हो और उसमें भी अभी भी तकनीकी दिक्कत है, क्या आप उस दिक्कत को समाप्त करने के लिए प्रयास क्या करेंगे? आज की तारीख में वो तकनीकी दिक्कत, यदि आप नौगांव से खवासा सड़क की बात कर रहे हैं तो सारी तकनीकी दिक्कतें समाप्त हो गई हैं। ठेकेदार का सारा ठेका हो चुका है, लगातार काम चल रहा है और आप देख भी रहे हैं कि ग्रुप व्यक्ति से काम चल रहा है और ये केवल मोदी जी की सरकार में आने से ही संभव हो पाया है। तो आपको मालूम है कि पिछले 10 वर्षों से हम कैसे हमको अटकाया गया था, जैसे कोर्ट केस में अटकाया गया था आदरणीय मोदी जी और आदरणीय गडकरी जी जब उसके विभाग के मंत्री बने और वन मंत्री हमारे जावड़ेकर जी बने, तो सारी बाधाओं को दूर करने का काम किया है। और बल्कि आपको मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह का पुल और सड़क बन रही है और जो पशुओं के लिए जिस तरह का रास्ता बनाया जा रहा है वो एक तरह का अनूठा है, साउंडलेस है, पशुओं का आवागमन के लिए किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। जो एक हमारा पेच अभ्यारण है उनके जानवरों को कहीं भी दिक्कत ना हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए स्कूलों का निर्माण हो रहा है, सड़क का निर्माण हो रहा है, इसलिए बहुत जल्द जो भी काम पूरा कर दिया जाएगा। आज की तारीख में समझता हूँ इसमें कोई दिक्कतें नहीं है और कारण आपको पता है, शायद उस समय जगह का कुछ अभाव था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ तक मेरी जो जानकारी उस जानकारी के अनुसार शायद 1 माह के अंदर ही हम उस पार्क को प्रारंभ कर देंगे। हमारे साथ नव निर्वाचित सांसद बालाघाट क्षेत्र से डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, जो पूर्व में भी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे और एक लंबा अनुभव उनको रहा है, उन्होंने हमारे साथ बात की। कैमरा 24 से नीलेश स्थापक सिवनी।